बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं फ्लेम का तड़का और मैं हूं आपका होस्ट ज़ुल्कुरनैन खालिद। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। फ्लेम का तड़का में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं मसाला आलू। बहुत ही ज़बरदस्त और एक टेस्टी रेसिपी है, तो बनाइएगा और ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक कुकिंग पॉट लेंगे और उसमें हाफ कप ऑयल शामिल करेंगे। ऑयल को थोड़ा सा हीट करेंगे और हीट करने के बाद सबसे पहले एक मीडियम साइज़ का प्याज स्लाइस किया हुआ शामिल करेंगे। फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे और 95% प्याज को हम लाइट ब्राउन करेंगे। इससे एट द एंड हमारी हंडिया का टेक्सचर डार्क कलर में आएगा, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है इसमें। लिड से कवर कर देंगे और तकरीबन 7 से 10 मिनट में प्याज लाइट ब्राउन हो जाएगा, तो उसके बाद दोबारा मिलते हैं। जी, प्याज बहुत अच्छे से अपना कलर ले चुका है। अब हम इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट 3 टेबलस्पून शामिल करेंगे। अब इसको तब तक पकाएंगे जब तक लहसुन अपनी स्मेल ख़त्म नहीं कर देता, और ये तकरीबन 3 से 4 मिनट में अच्छे से पक जाएगा। इसको लिड से कवर कर देंगे और 3 से 4 मिनट के लिए छोड़ देंगे। जी, तो यहाँ पे लहसुन बहुत अच्छे से पक चुका है। अब हम इसके अंदर एक मीडियम साइज़ टमाटर और 3 से 4 हरी मिर्च का पेस्ट शामिल करेंगे। हरी मिर्च आप अपने जायके के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। टमाटर और हरी मिर्च के पेस्ट के साथ हम यहाँ पे इसमें 3/4 स्पून ज़ीरा शामिल करेंगे। वन फोर्थ स्पून हम इसमें लाल मिर्च शामिल करेंगे। लाल मिर्च आप हसबे ज़रूरत हसबे ज़ायका कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इसके साथ हम कलवंजी यानी ब्लैक सीड यहाँ पे शामिल करेंगे 2 चुटकी। ये ऑप्शनल है, अगर इसको ना भी डालें तो कोई मसला नहीं। और हल्दी शामिल करेंगे हम यहाँ पे 1/2 टेबल स्पून। नमक शामिल करेंगे 1 चम्मच या हसबे जायका, आप अपने ज़रूरत या जायके के हिसाब से इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसको लिड से कवर कर देंगे और तब तक इसको पकाएंगे जब तक कि हमारा मसाला बहुत अच्छे से रेडी ना हो जाए। जी, यहाँ पे हमारा मसाला तकरीबन 10 मिनट के बाद बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसके अंदर आलू शामिल करेंगे तकरीबन 3 पाव। इसको मिक्स करेंगे, अच्छी तरह से इसको भूनेंगे और भूनने के बाद आलू को गलने के लिए छोड़ देंगे। लिड से इसको कवर कर देंगे।
याद रहे कि इस सारे अमल के दौरान हमारा फ्लेम मीडियम से हाई के दरमियान है। थोड़े थोड़े वक्फे से इसको चेक करते रहिए और अगर आलू नीचे लगना शुरू हो जाएं तो आप हल्का सा पानी शामिल करने के बाद इसको मिक्स कीजिए और फिर गलने के लिए छोड़ दें। आलू तकरीबन 90% गलने के बाद हम इस स्टेज पे आकर अपनी हंडिया में सूखा धनिया पाउडर तकरीबन आधा चम्मच शामिल करेंगे। हमने ये पहले दूसरे मसालों के साथ शामिल नहीं किया था क्योंकि इस स्टेज पे इसको शामिल करने से इसकी खुशबू हंडिया में बहुत अच्छी आती है। मिक्स करेंगे, मिक्स करने के बाद कवर कर देंगे और तकरीबन 100% आलू गलने तक हम इसको छोड़ देंगे। थोड़े थोड़े वक्फे से चेक करते रहिए, जब आलू गल जाएं तो फिर हम इसका कवर उतारेंगे और नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ जाएंगे। आलू 100% गल चुके हैं और हमारी हंडिया रेडी हो चुकी है और आलू ने ऑयल भी छोड़ दिया है। ये इस चीज़ की निशानी है कि आलू पक चुके हैं। अब हम इसके ऊपर हरा धनिया गार्निश करेंगे और उसके बाद हम कवर करके तकरीबन 5 मिनट के लिए इसको 5 से 7 मिनट के लिए लो फ्लेम पे, बिल्कुल लो फ्लेम पे हम इसको दम पे रखेंगे। आलू गलने का प्रोसेस तकरीबन 13 से 15 मिनट का था। मसाला आलू पक के रेडी हो चुका है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे सर्व करने के लिए। ये एक बहुत सिंपल लेकिन बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए और आप इसको पसंद करेंगे। अगर हमारी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो आप लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हर आने वाली नई रेसिपी आप तक पहुँच सके। घंटी के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए। दुआओं में याद रखें, अल्लाह हमारा और आपका हमी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।